बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं पेशावरी नमकीन गोश्त, जिसके लिए मैं 1 कप ऑयल ऐड कर रही हूँ। टू टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ। यह जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ऐड करके इसको 30 सेकंड मैंने फ्राई किया। इसका कच्चापन ख़त्म करने के लिए मैं ऐड कर रही हूँ मटर, 2.5 kg मटर है। मटन को अच्छे से वॉश करके मैंने टोकरी में डाल के रखा हुआ था। पाँच मिनट मटन ऐड करके इसको मैंने भूना है। अब मटन का कलर चेंज हो गया। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर। अब मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर, ये 8 टमाटर मीडियम साइज़ के, छिलका उतार के मैंने काट के रखे हुए थे, ये ऐड कर रही हूँ। और 8 सब्ज़ मिर्चें, ये मैंने काट के रखी हुई थी, ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती। ये देखें गोश्त ने भी पानी छोड़ दिया। पानी इसमें इतना ही डालना है जिसमें गोश्त अच्छे से गल जाए। वन एंड हाफ लीटर पानी ऐड कर रही हूँ। प्रेशर कुकर को बंद करने लगी हूँ। प्रेशर कुकर को बंद करके मैंने हाई फ्लेम पर रखा था, अब गैस चलना शुरू हो गया। अब मैं फ्लेम को मीडियम पर कर देती हूँ। 15 मिनट हो गए गैस चलते हुए, अब मैं फ्लेम ऑफ करती हूँ। 1 मिनट मैंने हटा दिया है, सारी स्टीम निकल चुकी है। अब मैं प्रेशर कुकर को खोलती हूँ। अब मैं फ्लेम ऑन करती हूँ। गोश्त अच्छे से गला हुआ, अब मैं ये पानी ड्राई करना है। चम्मच बहुत एहतियात से चलाना है, बोटियाँ टूट ना जाएं। मैं थोड़ी सी बीच में ग्रेवी रख रही हूँ। ये देखें जी, पेशावरी नमकीन गोश्त रेडी है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। ये इस टाइम जब ऐड करते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फ्लेम मैं ऑफ करती हूँ।
सब्ज धनिया ऐड कर रही हूँ। अब देर के लिए इसको कवर कर दी हूँ, ये तरी छोड़ देगा, फिर मैं डिश आउट करके आपको दिखाऊंगी। ये देखें जी, पेशावरी नमकीन गोश्त रेडी है। अब हम करते हैं डिश आउट। रहीम, देखें जी, पेशावरी नमकीन गोश्त रेडी है। बहुत मज़े का बनता है, वेरी सिंपल, वेरी टेस्टी। अगर आपको हमारी पेशावरी नमकीन गोश्त की रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।